हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। पोको F1 की MIUI 10.3.4 अपडेट आ चुकी है। ये काफी बड़ी अपडेट है जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो इस अपडेट से रिलेटेड हमने वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिया है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसमें बग्स हैं। लेकिन ये अपडेट कुछ यूजर्स को मिली और कुछ को नहीं मिली है। हालांकि कुछ दिनों में ये अपडेट आपको मिल भी जाएगी, लेकिन अगर आपको इसे मैन्युअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो वो प्रोसेस हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। पैकेज की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक हम दे रहे हैं ये ऑफिशियल ही लिंक है, यानी कि Xiaomi की खुद की लिंक है जो मैनुअल अपडेट के लिए देता है। और ये वही फाइल डाउनलोड हो रही है जो OTA अपडेट के थ्रू फाइल डाउनलोड होती है। बस जो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है उसे हम यहाँ पे मैनुअल करते हैं। तो ये फाइल अप्रोक्स 1.8 GB की है जो हम आपको लिंक दे रहे हैं, यानी कि 1.7 से 1.8 GB की ये फाइल है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप इसे कॉपी करिए और पेस्ट कीजिए डाउनलोडेड _ROM फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर आपको बना हुआ पहले से मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा एक फोल्डर बना लीजिए और उसमें आप डाउनलोडेड फाइल को कॉपी कीजिए, मूव मत कीजिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे इंस्टॉलेशन में कुछ एरर आती है, उसके लिए आपको फिर से इस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, तो उसे आप मूव मत कीजिए। इसके बाद आप सेटिंग्स ओपन कीजिए। सेटिंग्स के बाद अबाउट फोन में जाइए। तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर ऑप्शन होगा सिस्टम अपडेट का। आप देख लीजिए सिस्टम अपडेट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका वर्जन दिखाएगा। आप किसी भी वर्जन में हो आप इस अपडेट को मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, उनमें टच कीजिए तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपके मोबाइल में सिलेक्ट अपडेट पैकेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको MI का जो ये लोगो है उसमें कंटिन्यू टैप करना पड़ेगा, यानी कि 5 से 6 बार या 10 बार तक आप टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप कर लेंगे तो लिस्ट में एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा, अब सिलेक्ट अपडेट पैकेज। तो बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट अपडेट पैकेज करना है और फिर आपको फाइल मैनेजर सिलेक्ट करके डाउनलोडेड _ROM फोल्डर के अंदर जो आपने पैकेज पेस्ट किया था उसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा सबसे पहले। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ऑन रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पैकेज को वेरीफाई करता है कि ऑफिशियल पैकेज है कि नहीं, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको अनऑफिशियल रोम की एरर आए, तो ये बिल्कुल कॉमन एरर है, इससे डरिए मत। एक दो बार और ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो उस फाइल को डिलीट कर दीजिए और जो फाइल आपने डाउनलोड करी थी उसे फिर से कॉपी करके पेस्ट कीजिए डाउनलोडेड _ROM फोल्डर के अंदर। यानी इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर इंस्टॉलेशन की एरर आ रही है। बाकी ऐसी एरर बहुत कम आती है, लेकिन आती है तो उसे घबराइए मत। तो कुछ इस तरह से आप इसे मैन्युअली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसे इंस्टॉल करने से पहले हमने इसके बग के बारे में कुछ आपको बताया था कि यहाँ पे अपडेट के बाद मोबाइल की बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, के साथ साथ इसका चार्जिंग टाइम भी हमें ज्यादा मिल रहा है और मोबाइल का कैमरा मॉड्यूल भी हीट हो रहा है ज्यादा। तो लगभग हमने हर एक पॉइंट कवर किया था हमारे अपडेट से रिलेटेड वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।